आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी डीप इम्पैक्ट। मूवी की शुरुआत में हम लियो और सारा को देखते हैं, जो एक साथ टेलीस्कोप से स्पेस की तरफ देख रहे हैं। ये एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो स्पेस में होने वाली एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं। उन्हें स्पेस में एक ज्यादा चमकता हुआ तारा दिखाई देता है। पहले तो ये समझते हैं कि सैटेलाइट है। उनके सर उन्हें कहते हैं कि इसकी फोटो बनाकर सर मार्कस को भेजें। फिर हम सर मार्कस को देखते हैं। ये फोटो देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा चमकता हुआ ऑब्जेक्ट कॉमेट है जो जमीन की तरफ आ रहा है। ये जमीन से काफी दूर है, इसलिए इसे पहुंचने में एक साल लग जाएगा। वो ये बात अथॉरिटी को बताना चाहते हैं। वो सारे डाटा को डिस्क में सेव करते हैं और डिस्क के ऊपर अपना सरनेम वोल्फ और लियो का सरनेम बीडरमैन लिखते हैं। मार्कस जब अथॉरिटी को बताने के लिए निकलता है तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। फिर एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी, जिनका नाम एलन है, वो बताते हैं कि उनकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो रिजाइन दे रहे हैं। रिपोर्टर जेनी को दिखाया जाता है। उसे डाउट होता है कि एलन ने रिजाइन करने की जो वजह बताई है वो झूठ है। वो उसे मिलने के लिए उसके घर जाती है, तो घर के बाहर काफी सारा खाने पीने का सामान है, जैसे बहुत सालों के लिए वो कहीं जा रहे हों। वो एलन को बताती है कि मुझे पता है कि आपके डिपार्टमेंट में कई खुफिया टेलीफोन लाइन्स हैं, जिनसे आप डायरेक्ट प्रेसिडेंट से बात करते हैं। और ये भी कहती है कि आपने रिजाइन करने की जो वजह बताई है वो झूठ है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास सबसे बड़ी खबर है, लेकिन इससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा। जेनी जब वहाँ से निकलती है तो उसे FBI के लोग घेर लेते हैं। उसे प्रेसिडेंट के पास ले जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास जो न्यूज है उसे फ्लैश ना करना, कल व्हाइट हाउस में होने वाली मीटिंग में तुम्हें सेकंड रो में सीट दी जाएगी। जेनी ये बात मान जाती है। जेनी वापस आकर एलन का राज तलाश करने की कोशिश करती है, तो उसे पता चलता है कि एलन ने रिजाइन के दौरान अपनी वाइफ का नाम एली बताया था, लेकिन ये ELLIE नहीं है बल्कि ELE है, जिसका मतलब है एक्सटेंशन लेवल इवेंट। ये वो इवेंट है जिसमें हजारों साल पहले एक कॉमेट जमीन से टकराया था, जिसमें डायनासोर और बाकी मखलूक का खात्मा हो गया था। अब दोबारा ऐसे ही होने वाला है। एक कॉमेट जो सूरज के गिर्द घूम रहा है, वो अर्थ से टकराएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि कॉमेट और मेटियोर अर्थ के करीब घूमते रहते हैं और अर्थ पर गिरते भी हैं। एक बहुत बड़ा कॉमेट जो माउंट एवरेस्ट के साइज का है, जिसका वजन 500 मिलियन टन है, सूरज के गिर्द चक्कर काट रहा है। जल्द ही वो इस एंगल पर आएगा जिससे वो अर्थ से टकराएगा। वो ये भी बताते हैं कि सबसे ये पहले इन्फॉर्मेशन लियो बीडरमैन और मार्कस को मिली थी, और दोनों की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। गवर्नमेंट को लगा था कि लियो बीडरमैन की डेथ हो चुकी है, लेकिन वो जिंदा है। उन्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क से मिलती है। वो बताते हैं कि रशिया और अमेरिका स्पेस में एक ऐसा स्टेशन बना रहे हैं जिसे वो कॉमेट को अर्थ पर आने से रोकेंगे। लियो को ये सब न्यूज देखकर पता चलता है और सब लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। लियो काफी फेमस हो जाता है। वो कहता है कि मैंने कॉमेट को पहले देखा जरूर था, लेकिन इसको आइडेंटिफाई सर मार्कस ने किया था। स्पेस में हम एस्ट्रोनॉट्स को देखते हैं। वो कॉमेट की सरफेस के ऊपर मशीन से ड्रिलिंग कर रहे हैं, ताकि न्यूक्लियर बम फिट करके ब्लास्ट करें और कॉमेट के डायरेक्शन को चेंज करें। ड्रिलिंग मशीन स्टक हो जाती है और उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकलना था, क्योंकि कॉमेट सूरज के गिर्द घूम रहा है, और जब वो वाला हिस्सा जिस पर एस्ट्रोनॉट्स हैं सूरज के सामने आएगा, तो वहां का टेम्परेचर 300 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा। कॉमेट का वो हिस्सा सूरज के सामने आता है और गैसेस के ब्लास्ट होते हैं और टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। वहाँ रोशनी और हरारत बहुत ज्यादा हो जाती है। एक एस्ट्रोनॉट की आंखें भी खराब हो जाती हैं। वो लोग न्यूक्लियर बम को फिट करके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बैठने वाले होते हैं कि एक एस्ट्रोनॉट के पांव का हिस्सा माइन से टकराता है और वो स्पेस में कहीं खो जाता है। इनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में फ्यूल बहुत कम है, इसलिए लोग इसको ढूंढने नहीं जाते। जब वो कॉमेट से दूर आ जाते हैं तो ब्लास्ट करते हैं, जिससे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हिल जाता है और थोड़ा सा डैमेज भी हो जाता है। उनका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, क्योंकि कॉमेट दो टुकड़ों में बट गया है। एक टुकड़ा थोड़ा छोटा है, दूसरा बहुत बड़ा है। छोटा टुकड़ा समंदर में गिरेगा, जिससे सुनामी आएगा। प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस करते हैं और सबको अलर्ट करते हैं कि कॉमेट अर्थ की तरफ आ रहा है। छोटा टुकड़ा समंदर में गिरेगा, जिससे सुनामी आएगा। तेज लहरें उठेंगी जो 1100 मील फी घंटे ट्रेवल करेंगी, और दूसरा हिस्सा जो बहुत बड़ा है वो कनाडा में कहीं टकराएगा। इस खतरे से बचने के लिए जमीन के अंदर बंकर बनाए गए हैं, जिसमें 2 साल तक के खाने की सप्लाई है, और 10 लाख लोग इस खतरे से बच सकते हैं। 2 लाख तो आर्मी ऑफिसर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, और बाकी 8 लाख लोग लॉटरी सिस्टम से सिलेक्ट हुए हैं। लियो के घर कॉल आती है कि आपकी फैमिली को शेल्टर के लिए सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि लियो ने उसे पहले देखा था। लियो सारा को बताती है कि तुम हमारे साथ चलो, लेकिन वो अपनी फैमिली के बगैर नहीं जाना चाहती।
उसे दो रिंग्स दिखाता है और कहता है कि हम शादी कर लेते हैं, इस तरह तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओगी और हमारे साथ जाओगी। वो ये भी कहता है कि व्हाइट हाउस में मैं तुम्हारी फैमिली की बात भी करूंगा। वो दोनों शादी कर लेते हैं। इसके साथ मार्शल लॉ लगा दिया जाता है ताकि भगदड़ न मचे, क्योंकि जिन लोगों की उम्र 50 साल से ज्यादा है वो शेल्टर में नहीं जा सकते। लियो की फैमिली को बस लेने आती है लेकिन सारा जाने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं अपनी फैमिली के बगैर नहीं जाऊंगी। लिस्ट में उसकी फैमिली का नाम नहीं आता, हालांकि लियो ने उसकी फैमिली के लिए व्हाइट हाउस में रिक्वेस्ट की थी। ना चाहते हुए भी लियो को वहां से जाना पड़ता है। वो शेल्टर में पहुंच जाता है, हर तरफ अफरा तफरी है। लियो अपनी फैमिली को कहता है कि मैं जा रहा हूँ और सारा को लेकर आऊंगा। लियो सारा को ढूंढने जाता है और रास्ते में बहुत ट्रैफिक है, लेकिन वो सारा को ढूंढ लेता है। इस बार सारा के पेरेंट्स उसे लियो के साथ जाने के लिए राजी कर लेते हैं और कहते हैं कि अपने साथ छोटे भाई को भी ले जाओ। लियो इन दोनों को लेकर वहां से निकल जाता है। प्रेसिडेंट कहता है कि छोटा कॉमेट समंदर से टकराने वाला है, इसके 3 घंटे बाद बड़ा कॉमेट टकराएगा जिससे बहुत बड़ा धमाका होगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिर्फ वही लोग बचेंगे जो बंकर के अंदर होंगे। जेनी को दिखाया जाता है जिसे लेने के लिए हेलीकॉप्टर आ गया है, क्योंकि वो भी सिलेक्टेड है। वो अपनी जगह अपने फ्रेंड और उसके भाई को भेज देती है। फिर जेनी अपने फादर से मिलती है। वो उनसे काफी सालों से नाराज है और वो सारे गिले शिकवे खत्म कर देती है और उनके गले लग जाती है। कॉमेट अर्थ पर आ गया है और आग के जलते हुए शोले की तरह समंदर में गिर जाता है, जिससे ब्लास्ट होता है और सुनामी आ जाता है। जेनी अपने फादर के गले लगती है और समंदर की लहरों में खो जाती है। दूसरी तरफ लियो सारा और उसके भाई को लेकर ऊंची पहाड़ी की तरफ जा रहा है, जहां और लोग भी जा रहे हैं। कॉमेट के टकराने से काफी शहर तबाह हो चुके हैं और ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स देखते हैं कि कॉमेट अर्थ से टकरा गया है और सब कुछ तबाह हो गया है। वो डिसीजन लेते हैं कि वो वापस नहीं जाएंगे। उनके पास 4 न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं जिनसे वो ब्लास्ट करेंगे और कॉमेट छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। वो सब आखिरी बार अपने घर वालों से बात करते हैं और इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग वापस नहीं आ सकते क्योंकि इनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का फ्यूल खत्म हो जाएगा। लोग अपनी जान की कुर्बानी देते हैं और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कॉमेट की तरफ निकल पड़ते हैं। स्पेस में ब्लास्ट होता है और बड़ा कॉमेट छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। जमीन के एरिया में आते ही ये टुकड़े आतिशबाजी की तरह दिखाई देते हैं, उनसे अर्थ को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। पहाड़ी के ऊपर लियो और सारे ये सब देख रहे होते हैं। पानी इतने ऊपर नहीं आता। शहर में बिल्डिंग्स तबाह हो जाती हैं, लेकिन पानी कुछ टाइम के बाद वापस चला जाता है। प्रेसिडेंट कहते हैं कि हम अपने हीरोज को हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, जमीन का खात्मा होने से बच गया और बहुत बड़ी तादाद में लोग बच गए हैं। वो ये भी कहते हैं कि हम अपने बच्चों को अपने हीरोज की कहानियां सुनाएंगे, उनको हमेशा याद रखेंगे और अपने तबाहशुदा शहरों को दोबारा बसाएंगे, क्योंकि जमीन पर इंसानियत और बाकी चीजें तबाह होने से बच जाती हैं। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको मिलती रहें।